ये बड़ी खबर देखिए। नेताजी की जयंती के कार्यक्रम में नाराज हो गई ममता। ममता बनर्जी के सामने लगे जय श्री राम के नारे, ममता बनर्जी ने मंच से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। किसी को आमंत्रित करके निमंत्रण देकर अपमान करना ठीक नहीं, कहा ममता बनर्जी ने। सरकारी कार्यक्रम को सियासी बनाना सही नहीं, कहा ममता बनर्जी ने। पीएम मोदी के सामने ही ममता ने नाराजगी जताई। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जूही विश्वास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस की, गौतम लाहरी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम राजीव जेटली जी का इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका पक्ष जानने के लिए। लेकिन एक बात तो जूही आपने देख ली होगी कि ऐसा क्यों उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना लिया है। जय श्री राम को लेकर हमेशा वो भड़की हैं, वो उनको सड़कों पर भी भड़कते हुए देखा है, और आज शायद इसी बात को, हो सकता है उसमें कुछ लोग ऐसे हों जो जानबूझकर ये पिन करना ही चाह रहे हों ममता बनर्जी को, कि वो एक वो इससे चिढ़ती हैं, दूसरे वो चिढ़ को जाहिर कर देती हैं, तीसरे हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में आ गया है और वो इसको फिर से ममता को एक तरीके से वो करने के लिए मजबूर कर रहे हों। क्यों करती हैं ममता ऐसा? ममता इतनी मैच्योर हैं, मान लीजिए कि उनको जानबूझकर प्रोवोक करने के लिए ऐसा किया गया तो भी उनको इस कार्यक्रम में कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, ये पहले मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। जैसे ममता दी ने भी इस बात पे नाराजगी जताई है, आप राधे राधे बोलिए, आप जय श्री कृष्णा बोलिए, या आप कुछ भी बोलिए, भगवान का नाम लेना कोई खराब बात नहीं है। भगवान के सब ही मानते हैं हम लोग, धर्म हम लोगों का आस्था है, हम लोगों का संस्कृति है। लेकिन जो बीजेपी ने जय श्री कृष्णा का जो नारा यहाँ पर लगाया है, ये पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन बना दिया। जय श्री राम का जो जय श्री राम ये पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन बना दिया गया, या ये परसेप्शन डेवलप कर लिया गया कि पॉलिटिकल रैली तो नहीं हो रहा है? क्या पॉलिटिकल रैली यहाँ पर चल रहा है? बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल भाषण देने उठे हैं? ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इसका कोई डिग्निटी तो होना चाहिए। यहाँ पर हम जय हिंद बोल सकते हैं, ये नेताजी का जन्म जयंती है, यहाँ पर हम लोग जय हिंद बोल सकते हैं, जय भारत बोल सकते हैं, जय बांग्ला बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपको भगवान का नाम लेना भी कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ये जो जय श्री राम ये जो नारा बीजेपी बार बार लगा रहे हैं। जूही जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात मुझे ये समझाइए कि अगर इस जगह पर नेताजी को याद करते हुए अगर वहां जो पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है उसमें कमल का फूल भी रख दिया जाएगा, तो क्या इसको यह समझा जाएगा कि ये तो देखिए पॉलिटिकल जेस्चरिंग है, क्योंकि कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का निशान है, नेशनल फ्लावर है, वहां पर जातीय फूल है, उसमें कोई, हम पहले भी बोल रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि यहाँ पर कमल का फूल रखे या कोई भगवान का नाम ले, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो जय श्री राम ये पॉलिटिकल नारा बना दिया गया बीजेपी की तरफ से बंगाल के पॉलिटिक्स में, तो इसी बात में दीदी ने नाराजगी जताई है कि यहाँ पर राधे राधे बोल देते, यहाँ पर राम राम बोल दे, या यहाँ पर कोई भी भगवान का नाम ले, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।